नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अभी अभी बजाज फाइनेंस को शॉर्ट किया हूँ। एक अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट आना चाहिए। मैं जो ये जो कैंडल ना, मतलब ये जो रेड लाइन है, ओके, जो एंट्री है 73.50 पे, ओके, 73.50 पे मेरा एंट्री हुआ है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है 88 पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, ये जो कैंडल का हाई है, हाँ, एक रेड कैंडल का जो हाई है, दैट इज द स्टॉप लॉस 87.85 है। मैं 15 पैसे ऊपर रखा हूँ, तो 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मैं इसको कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये नीचे आज गिरना चाहिए, ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहा है। तो इफ इट कम्स, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये इधर तक आ सकता है। ओके, 127, ओके। मैं ये टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो देखेंगे कैसे ये मूव होगा, ये बिहेव करेगा। ओके, तो ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ है। एक क्यों ट्रेड किया था भाई? अगर आप देखते हो, विद वॉल्यूम नीचे गिर रहा है। ओके, अभी हायर ही कर रहा है लेकिन लो तोड़ा। हाँ, तो इसका मतलब है आज जो सेलर्स आना चाहिए इस स्टॉक में, है नीचे गिरना चाहिए। तो जब नीचे इधर तक गिरा था, बाद में इसको सपोर्ट बना दिया है, तो दिस शुड बी द टारगेट। ओके, मैं टारगेट तो बढ़ा रखता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस बचना चाहिए। स्टॉप लॉस 88 पे रखा हूँ, 1000 रुपीज़ के हिसाब से। हाँ, अगर स्टॉप लॉस बच गया, कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके, डिवी स्लैब में भी ट्रेड है, सिप्ला में एक अच्छा खासा ट्रेड है। सिप्ला में देर इज अ शॉर्ट ट्रेड बिलो दिस लेवल। रिलायंस में भी अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, ये लेवल से हो सकता है। शायद निफ्टी शुड मेक ए लोअर लो टुडे। हाँ, इट ऑलरेडी मेड ए लोअर लो। इधर एक हर्डल है, देखेंगे, मतलब हाइपोथेसिस तो सेल है। अगर मान लो ये लो तोड़ दिया, तो उसमें बाद इसमें ट्रेड मिल सकता है। ओके, मेरा फोकस है बजाज फाइनेंस में, तो इट शुड फॉल। ओके, लेट्स सी। चलो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ भाई, देख लो कि कैसे होता है। 88 इज द स्टॉप लॉस। ओके, मतलब 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, मतलब 57 × 15 कितना होता है? 1000 रुपीज़। हाँ, तो 980 का आसपास में, इंक्लूडिंग द ब्रोकरेज। अगर आपने स्टॉप लॉस भी गया, कितना जा रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 रुपीज़ ही जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है। एटलीस्ट 1:4 मिला, मतलब 1000 रुपीज़ का रिस्क है। अगर 4000 मिला, इट इज़ अ गुड ट्रेड। हाँ, चलो देखेंगे क्या स्टॉप लॉस उठ जाता है या जो भी है। हमारे पास तो टाइम है 3:15, 3:15 तक टाइम है। देखेंगे, अगर उसके पहले कुछ गलत हो जाता है, होने दो, क्योंकि 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है, उसका मतलब है मेरा अनालिसिस गलत था। ओके, सिप्ला में भी एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है इधर से। डीवी स्लैब में ये है। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ भाई, देख लो इसको, ऑब्जर्व करो। टेक केयर। ये जो लेवल्स है, तो आप आपका इसमें ड्रॉ कर दो, चार्ट में देखो क्या है बोल के। हाँ, समझ में आ जाएगा। कोई कारण से ये लेवल टच नहीं करना, दिस इज द स्टॉप लॉस। सिप्ला में कंफर्म हो गया। ये लेवल से लोअर लो है ना। ओके, ये जो लो है 1201 से ये गिर जाएगा, ये इधर से गिर जाएगा। डीवी स्लैब भी शॉर्ट है। निफ्टी भी कंफर्म कर रहा है कि भाई नीचे गिरने वाला है। हाँ, निफ्टी लोअर लो कर रहा है, सो इट शुड फॉल। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। निफ्टी लोअर लो कर रहा है। ओके, इधर से ये गिर जाएगा। निफ्टी फॉल, व्हाटएवर। ओके, चलो इसको देख लो, अपलोड कर लेता हूँ भाई। कितना प्रॉफिट मिलता है वो अलग बात है। मैं टारगेट भी बता दिया हूँ, टारगेट तो मैं बड़ा लेने का कोशिश करता हूँ। तो टारगेट इधर पड़ा हुआ है 7116 पे। हाँ, उधर तक तो वो आना चाहिए, 7116। ओके, ऑलमोस्ट 1:10 का ट्रेड हो जाएगा वो, देखेंगे। हाँ, मैं अपडेट मतलब थंबनेल ले डाल देता हूँ, कितना प्रॉफिट आएगा बोल के। ओके, स्टॉप लॉस भी हुआ, उसको डाल देता हूँ, उसको देखना। चलो मिलते हैं।